हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी। दिस इज खेमानंद। दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक जबरदस्त सा धांसू सा बिल्ड लेकर। तो आज का जो बिल्ड है दोस्तों, ये है टोटल 1,08,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, ये जो पीसी है 12400F के साथ बना है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिक रहा है। मतलब काफ़ी आपको कम बजट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिल जाता है, चाहे आप इसमें गेमिंग, स्ट्रीमिंग या एडिटिंग कुछ भी कर लो। और ये जो पीसी है, ये इसे गेमिंग और एडिटिंग के लिए ही बनाया गया है। और ये जो पीसी बना है, इसको ऑर्डर किया है हमारे सुजल भाई ने, जो कि दिल्ली के कृष्णा नगर से यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको उनसे भी मिलवा देता हूँ और हम इसके बाद सारे कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे सुजल भाई हैं, जो कि कृष्णा नगर से आए हुए हैं, जो कि दिल्ली में ही पढ़ता है। तो इनसे बात करते हैं। तो इस पीसी पे आप क्या करने वाले हो बेसिकली? इस पीसी पे मैं मेन तो एडिटिंग का करने वाला हूँ, और उसके बाद थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ सारे आपने खुद चूज किए हैं? मतलब कैसे चूज किया आपने ये सारे कंपोनेंट? ये मैंने वैसे खुद ही चूज किए थे, बाकी थोड़ा बहुत मेरे को गाइडेंस मिल गई थी यहाँ से, तो अच्छा। मैंने उसी इसके हिसाब से चूज कर लिया। मतलब आपने पहले भी खुद काफी रिसर्च किया होगा? मैंने काफी रिसर्च किया था इसके ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, आप इसमें गेमिंग वगैरह करने वाले हो? तो मतलब जबरदस्त पीसी है, 3060 कार्ड, 12400F, तो एडिटिंग वगैरह काफी अच्छी हो जाएगी इसमें, और गेमिंग तो हो ही जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया सा पीसी है, तो वाइट लुक में बहुत ज़बरदस्त सा लुक है। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस नए पीसी के लिए। खूब एडिटिंग वगैरह करना, और मतलब जो भी है आप प्रॉपर इसका ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने सुजल भाई से बात कर लिया। अब अगर आपको भी इस तरीके का कोई पीसी बिल्ड करवाना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये अभी मैं आया हूँ डिजिटल ओशन नेहरू प्लेस में। आप इनके ऑफलाइन स्टोर में यहाँ पर आ सकते हैं नेहरू प्लेस में, या फिर आप इनके वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, या आप इन्हें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पे जो नंबर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका लुक देख लेते हैं, कैसा एक झलक देख लेते हैं कैसा पीसी बना है, उसके बाद हम एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं सीपीयू के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर जो सीपीयू यूज किया गया है वो है मतलब बेस्ट बजट सीपीयू बोल सकते हैं। आज के टाइम पे धमाका मचा रखा है इंटेल i5-12400F। मतलब जबरदस्त था, इसमें आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है कम बजट में, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है, बहुत ही बढ़िया सा प्रोसेसर है। और इसके साथ तो यहाँ पर यह प्रोसेसर यूज किया गया है 12th जनरेशन का। यहाँ पर इसके साथ प्रोसेसर को कूल करने के लिए हमने जो कूलर यूज किया हुआ है वो है एयर कूलर यूज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं AK400 जो कि डीप कूल की तरफ से आता है, उसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा कूलर है ये। क्योंकि ये काफ़ी ऑब्वियसली अगर आप इसमें गेमिंग, एडिटिंग या स्ट्रीमिंग करेंगे, रेंडरिंग करेंगे तो हीट होगा। रिकमेंडेड रहता है कि आप इसके साथ एक अलग सा बढ़िया सा कूलर लगा लें, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त होगा, सीपीयू हीट नहीं होगा, तो आप लॉन्ग टाइम तक इसे यूज कर पाएंगे। तो जितना बढ़िया आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, उतना ही आपकी सीपीयू का जो लाइफ है वो भी बढ़ जाता है, और आपको जितना भी आप लोड डालोगे ना, फुल लोड पे आपका सीपीयू काम कर पाएगा। जो बढ़िया सा कूलर लगाने का यही फायदा होता है कि आप इसको 100% लोड के साथ यूज कर पाओगे, राइट? तो ये तो हो गई बात आपकी सीपीयू की तो और कूलर की। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। यहाँ पर हमने जो मदरबोर्ड लगाया हुआ है वो है MSI की तरफ से Pro B660MA Wi-Fi DDR। तो वाईफाई तो इसमें है ही, इसके अलावा काफ़ी बढ़िया सा मिड रेंज का मदरबोर्ड है, सॉलिड सा मदरबोर्ड है। इसकी VRM सेक्शन वगैरह काफ़ी सॉलिड रहता है। उसके अलावा इसमें आपको 4 RAM स्लॉट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको PCIe 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है, 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, 2 इसमें NVMe के स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें एक 4.0 का NVMe का स्लॉट्स आपको मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया सा मदरबोर्ड है मिड रेंज का। बाकी
i5 के लिए ये काफी बढ़िया रहता है, बढ़िया मतलब इसका जो पेयर होता है वो काफी अच्छा होता है। तो ये बात हो गई मदरबोर्ड की। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो स्टोरेज के लिए SSD यूज किया गया है, SSD वो है, तो यहाँ पर जो SSD यूज किया गया है वो है सैमसंग की तरफ से अगेन, जो कि एक टॉप मोस्ट ब्रांड होता है स्टोरेज में NVMe में। तो सैमसंग की तरफ से 980 यहाँ पर यूज किया गया है 500 GB का, जिसमें आपको 3500 MBPS का स्पीड मिल जाता है, जो कि आपके PC को एक जबरदस्त सा स्पीड दे देता है, रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया कर देता है। तो जब भी हम एडिटिंग वगैरह करते हैं तो अगर हमारे पास एक बढ़िया सा SSD रहता है तो उससे आपकी जो एडिटिंग है वो काफी स्मूथ और काफी फास्ट हो जाती है। गेमिंग में भी इसका काफी अच्छा इफेक्ट दिखता है, बाकी बूट वगैरह तो काफी फास्ट हो ही जाता है। तो ये हुआ हमारा SSD। तो इसके अलावा यहाँ पर एक 1 TB का हार्ड डिस्क भी यूज किया गया है वेस्टर्न डिजिटल का, जो कि इसमें अंदर लग चुका है। अब बात करते हैं रैम की, तो दोस्तों यहाँ पर हमने RGB रैम यूज किया हुआ है, XPG की तरफ से D50 रैम यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत सा लगा हुआ है। इसमें आपको लुक तो काफी अच्छा मिलता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा आपको मिलता है। 2 स्टिक्स लगाए गए हैं और 2 स्टिक्स और बाद में अपग्रेड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया सा इसमें लुक आपको मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया मिलता है। इसके बाद बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड यूज किया गया है वो है जोटेक की तरफ से 3060। तो 3060 के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला ग्राफिक कार्ड है। कुछ टाइम पहले इसका काफी ज्यादा कॉस्ट था, काफी महंगा था, लेकिन अब काफी कम कॉस्ट में आपको ये मिल जाता है। तो इस वजह से ये आज के टाइम पे बहुत बढ़िया बिक रहा है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही बढ़िया रहता है, राइट। तो कुछ दिन पहले तो यही प्रीमियम कार्ड बन गया था, लोग इसको खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे इसका प्राइस काफी कम हो गया है, इस वजह से अभी यहाँ पर ये काफी सेल हो रहा है। तो i5 और 3060 के साथ आपको जबरदस्त सा परफॉर्मेंस मिलने वाला है, एडिटिंग गेमिंग स्ट्रीमिंग कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया मेन कंपोनेंट की, अब यहाँ पे बात करते हैं SMPS की। तो जो SMPS हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है अगेन Corsair की तरफ से CX650 यहाँ पर लगाया गया है, जो कि एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है और 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो कि इस PC के लिए इस कार्ड और मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड के लिए इनफ रहता है 650 वॉट का। तो हमने सभी कंपोनेंट के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो यहाँ पर जो कैबिनेट आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा व्हाइट थेम में, जो व्हाइट कलर में कैबिनेट है ये भी बहुत जबरदस्त सा कैबिनेट है। ये है गैलेक्सी की तरफ से Revolution 05, इसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों आते हैं, लेकिन ये ब्लैक व्हाइट वाला है, तो काफी खूबसूरत सा आपको यहाँ पर लुक मिल जाता है। और कैबिनेट में अगर एयर कूलिंग की बात करें, कूलिंग की बात करें, तो इसमें आपको प्रॉपर प्री इंस्टॉल 4 फैन मिल जाते हैं, वो भी RGB के साथ। तो फ्रंट में 3 और बैक में आपको एक RGB फैन यहाँ पर मिल जाता है, उसके अलावा ऊपर में भी मेस है और यहाँ पे भी आप और फैन लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो लिक्विड कूलर वगैरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो काफी बढ़िया सा कैबिनेट है, अगर आपका बजट मतलब आप 1 लाख तक का PC बनवाते हो तो आप इसके ऊपर जा सकते हो, इसके साथ जा सकते हो, काफी बढ़िया सा कैबिनेट है। ये कैबिनेट लोगों को काफी पसंद आ रहा है आज के टाइम पे। तो हमने सभी कंपोनेंट के बारे में बात कर लिया, इसके अलावा इस बिल्ड में मॉनिटर भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं Acer की तरफ से VG270 27 इंच का IPS पैनल के साथ HDR10 के साथ आने वाला ये मॉनिटर है, काफी बढ़िया सा 165 रिफ्रेश रेट और 0.5 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, काफी बढ़िया गेमिंग के लिए, गेमिंग में आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस इसमें मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप एडिटिंग करते हैं तो IPS पैनल है, वहां पे भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो उसके अलावा यहाँ पर कैबिनेट जो हमने कीबोर्ड माउस ऐड किया हुआ है वो है KM540, बहुत ही फेमस कीबोर्ड माउस है, बहुत ही ज्यादा बिकने वाला, मतलब जबरदस्त, काफी अच्छा और लुक वाइज भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी मतलब काफी अच्छा रहता है। तो ये सारा कंपोनेंट हमने यूज कर लिया, ये सारा बिल्ड में ऐड हुआ है और इसका जो बजट है 1,08,000। तो दोस्तों अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो बिल्ड बना है DigitalOcean Aeroplus में बना है, अगर आपको भी इस तरीके का बिल्ड बनवाना है या कोई भी कंपोनेंट लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं ऑफलाइन स्टोर Aeroplus में, या फिर आप इनके वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप इनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।